हम लोग तो हार गए बुरी तरह से, इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। तो बीजेपी की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इतने लोग जीते, कांग्रेस पार्टी ने अच्छी योजनाएं लेकर आई, अच्छा काम किया सबने मिलकर, इसके बाद भी हम हार गए तो हार हमको स्वीकार है, जनता का फैसला स्वीकार करना पड़ता है लोकतंत्र में, और ये बड़ी हार है हमारी। अभी थोड़ा टाइम निकलने दीजिए, फिर खुलकर बोलेंगे सब बातें। वैसे SIT भी पहले से बनी हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पेपर लीक के लिए, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनी हुई है जो कांग्रेस की सरकार के समय भी थी, अब इन्होंने बनाएंगे कहा है, बनी नहीं है, तो ये बना दे और बिल्कुल पेपर लीक रुकना चाहिए। हम तो एक्ट लेकर आए, आपको पता है हमने कानून बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून तक बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा। पेपर लीक रोकने के लिए जितना बड़ा अभियान चलाया गया, राजस्थान में इतनी गिरफ्तारियां हुई, किसी को छोड़ा ही नहीं, और ये काम अब इन्होंने बड़ी घोषणाएं की है तो इनको काम करना चाहिए। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, जनता ने बहुमत दिया है, हम लोग तो हार गए बुरी तरह से, इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। तो बीजेपी की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, जनता उम्मीद करती है। और इस वक्त तो मैं ज्यादा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम एकदम कम हो गए हैं, $91 से मैं परसों देख रहा था ट्यूब $68 प्रति बैरल पर आ गए। अब आप बताओ इतना कम आ गया तो आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करनी चाहिए केंद्र सरकार को भी, राजस्थान की सरकार को भी, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया, तो जनता को डायरेक्ट कुछ दो, करेंगे ऐसा नहीं, नई सरकार दे दीजिए जो देना ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी मेरी बधाई है नई सरकार को, अभी नया नया काम शुरू हुआ है, ज्यादा हम डिस्प्यूट खड़ा नहीं करना चाहते, अभी तो सरकार को काम करना चाहिए। नो डाउट नेता प्रतिपक्ष का चयन भी हो जाएगा, अभी विधानसभा अध्यक्ष को तो शपथ लेने दीजिए, विधानसभा सत्र से पहले हो ही जाता है, हमेशा नेता प्रतिपक्ष तो बन जाएगा, वो नॉर्मल बात है। ये देखिए पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इतने लोग जीते, कांग्रेस पार्टी ने अच्छी योजनाएं लेकर आई, अच्छा काम किया सबने मिलकर, इसके बाद भी हम हार गए तो हार हमको स्वीकार है, जनता का फैसला स्वीकार करना पड़ता है लोकतंत्र में, और ये बड़ी हार है हमारी। हो सकता है हमारे में कुछ कमियां रही होगी, अब क्या कमी रही देखेंगे, अब हमारे में काम में तो कोई कमी रखी नहीं, बाकी जनता का आशीर्वाद कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, क्या मुद्दे होते हैं क्या कारण होते हैं बाकी ये सबने देखा। ये चुनाव पूरा सनातन पर ये लेकर गए, हिंदू मुसलमान पर लेकर गए, और जिस तरह से लेकर गए उससे वर्किंग कमजोर होती है। और हमेशा जब काम के आधार पर चुनाव होगा, काम और सेवा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है राजनीति में, तो काम के आधार पर वोट का फैसला होना चाहिए। दिक्कत ये होगी कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी स्टाइल है, कांग्रेस अपनी वर्किंग के आधार पर, काम के आधार पर और सेवा के आधार पर वोट मांगती है, और बीजेपी ने तो ये जो चुनाव लड़ा वो तो इतना जबरदस्त गंदे ढंग से लड़ा कि यदि कांग्रेस को वोट दोगे तो ये तुम मुसलमान बन जाओगे, इससे ज्यादा पाप क्या कर सकते हैं। तो ये तो बात, अब बीजेपी सक्सेस हो गई, सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे तो हम कौन है, हम भी तो सनातनी है। तो लेकिन जिस ढंग से मैंडेट आया, 5 साल तक हमारी सरकार थी, हम लोग ही मिनिस्टर थे, सब अच्छा चल रहा था, तो वोटर को समझदार होना पड़ेगा और वर्किंग के आधार पर वोट का फैसला होगा तो आगे और भी लोकतंत्र मजबूत होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं तो वर्किंग के आधार पर ही वोट का फैसला, कोई आत्मचिंतन नहीं है। आत्मचिंतन एक ही है कि जो बीजेपी ने वादे किए ना घोषणा पत्र में, वो वादे कब पूरे करेगी, वो जनता भी इंतजारी कर रही है, हम भी इंतजारी कर रहे हैं, वो करके दिखाएं, बातों से नहीं, अब तो काम कर देना चाहिए, जो घोषणाएं की उनको लागू करो। क्या घोषणाएं की अभी योजनाएं तो हमारी चल रही है, आपकी तो कोई योजना ही नहीं आई। तो बीजेपी वालों को बधाई, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, बहुत बड़ा बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री जी को बधाई। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।